आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। सही, मेरी बहन अनु, अनु सही। Hi, you're looking very pretty. ऐसा लग रहा है जैसे आप ही दुल्हन हैं आज। अरे अरे, सास ससुर दूल्हा दुल्हन की फोटो तो बनती है। Smile. मैंने कहा था ना तुझसे कि तेरी हरकतों से निराश होकर के सही भाभी कहीं एफर्ट्स लगाना छोड़ दे तो उसे दूर ना हो जाए। देख वही हो रहा है, लगता है वो दूर जा रही है। एक सेकेंड, सही कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो आप। ऐसा लग रहा है जैसे वहीनी के साथ साथ आपकी भी शादी है। वैसे विराट के साथ दोबारा शादी करने का इरादा तो नहीं है ना? मेरे पति मुझसे एक बार शादी करके पछता रहे, मुझे नहीं लगता वो दोबारा ये गलती करेंगे। यू आर टू फनी सही, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। विराट बहुत लकी है कि उसे आपकी जैसी वाइफ मिली है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा होने नहीं लगता। अरे मोहित, एंड इट्स टाइम फॉर संगीत। तो आइए, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा रोमांस भरी परफॉर्मेंस लेकर आ रहे आज शाम का सबसे प्यारा और मेरा फेवरेट कपल, विराट दादा एंड सई वहिनी। रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है? वहां जाना है। क्या बात है शिवा, अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो? कहाँ चले भाई? बस हो तो गया, अब और नहीं। अच्छा, सही के साथ इतना अच्छा डांस किया और हमारे आते ही पतली गली से निकल रहे हो। अच्छा एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि सही के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हो? दादा वो देखिए पीछे, आपके लिए कुछ स्पेशल है।
वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या केमिस्ट्री थी तेरी भाभी के साथ, क्या डांस किया तूने यार, मजा आ गया। मैं सई के साथ सिर्फ इसलिए डांस किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि शिवानी बुआ की शादी में कोई सीन क्रिएट हो। ऐसे हमारे बीच में और कुछ नहीं है। हाँ, हमारे बीच में अब ऐसा कुछ भी नहीं। क्या जरूरत थी सई को इतनी सच सच के आने की? पत्र लिखा भाभी, जरूरत तो थी। अब देख रहे हो विराट दादा पर सही भाभी का असर, आपको आपका जवाब खुद मिल जाएगा। विराट दादा ऐसे ही थोड़ी ना सही भाभी के साथ डांस कर रहे थे। ऐसे कुछ भी कहो, सही भाभी ना एकदम गाड़ो सिट्टो लग रही है ना। ए विराट, वो देख, अब बोल बोल बोल, तू भाभी को नहीं देख रहा था, देख ये वीडियो तूने बनाया। अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं बनाया, ये तेरी पोल पट्टी मोहित ने खोली है। मोहित, पहले तो ये वीडियो बंद कर और इसे डिलीट कर, अभी के अभी। मोहित बंद कर। यार विराट, इसमें इतना एम्बैरेस होने की क्या जरूरत है? तू अपनी बीवी को देखते हुए पकड़ा गया, किसी और की बीवी को नहीं। और अब आने वाली है डांस फ्लोर पे बाहर, क्योंकि डांस करने आ रहा है चव्हाण परिवार। हेलो जी, अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ, डोंट वरी, मैं अभी आता हूँ। या देवी, देवी मुझे इमरजेंसी है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, मैं बाद में मिलता हूँ। ओके शिवानी बुआ का संगीत एंजॉय कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कल की सुबह क्या लेकर आएगी। मैं ये सब कुछ आपके साथ रहने के लिए नहीं कर रही हूँ, आप इस गलत पे नहीं मत रहिएगा। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि घर वाले चाहते आपके लिए। सुबह से देख ही रहा हूँ जिस तरह से तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, सब समझ रहा हूँ। मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ? मैं होती कौन हूँ आपको इग्नोर करने वाली? आपने मेरी हैसियत ही कहाँ छोड़ी है कोई कि मैं आपको इग्नोर करूँगी? आपने तो खुद मुझे हमेशा के लिए इग्नोर कर दिया है। तुम्हें इस बात का बहुत गुरूर है ना कि मैं तुम्हें बार बार देखे जा रहा था। मैं भी तुम्हें एक बात बता देता हूँ सही, ये आखिरी दिन है जो मैं तुम्हें ऐसे देख रहा हूँ या देखना पड़ रहा है। कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा और बाय तक नहीं कहूँगा। मैंने कहा ना विराट, मुझे भी नहीं पता कि कल की सुबह अपने साथ क्या लेकर आएगी। मुझे पता है आप मुझे अपने फ्यूचर में तो नहीं चाहते, लेकिन प्रेजेंट तो एंजॉय करने दीजिए, आपका नहीं।
मेरा। रिलैक्स, पैनिक मत कीजिए। क्या हो गया मेरे दादा को? ये ऐसे गिरे क्यों हैं? कोई डॉक्टर को बुलाइए ना प्लीज। पुलकित, पुलकित कहाँ है? पुलकित जी जूझ नहीं है, वो इमरजेंसी थी तो गए हैं। मोहित, एम्बुलेंस बुला अभी। हाँ, जा वेट करें, सच्चा हम गाड़ी लेके जाते हैं। मैं गाड़ी लेके आता हूँ। जा राजीव, राजीव सर, इनके कॉलर के बटन खोलिए प्लीज, ताकि सांस ले पाए। कॉलर खोलिए, सांस ले पाए। पल्स बहुत लो है। चल 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 चल, जल्दी गाड़ी आ गई। गाड़ी आ गई? हाँ, गुड गुड गुड। एम्बुलेंस आ रही है। नहीं नहीं, गाड़ी से जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब है आपका? मेरे दादा की ऐसी हालत और आप? सही, राजीव को हमें हॉस्पिटल ले जाने दो। चल मोहित, सनी, चल। नहीं, क्या बकवास कर रही हो तुम? सही, राजीव को हॉस्पिटल ले जाने से मना क्यों कर रही हो तुम? मैं आप सबके हाथ छोड़ रही हूँ, प्लीज मेरे दादा को हॉस्पिटल लेकर चलिए। स्टॉप, प्लीज स्टॉप। वो बहुत मुश्किल से सांस ले रहे हैं, हमें जो भी करना होगा अभी करना होगा, जल्द, वरना बहुत देर हो जाएगी। तुम्हें हॉस्पिटल के सारे एक्सपीरियंस डॉक्टर से भी ज्यादा नॉलेज है क्या? हाँ है, क्योंकि मैं बहुत जल्द डॉक्टर बनने वाली हूँ और मुझे इसी के लिए ट्रेन किया गया है। इसका मतलब राजी? नहीं नहीं नहीं, मौसी मौसी, राजू कुछ नहीं होगा। नहीं बुआ, राजीव जी को कुछ नहीं हुआ है और ना ही कुछ होगा। ये किसी के साथ भी हो सकता है। प्लीज सब पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए। मुझे पता है कि क्या करना है, हमें एम्बुलेंस आने तक इन्हें होश मिलाना होगा। जो आपको ठीक लगता है वो आप कीजिए डॉक्टर जोशी, प्लीज राजीव को बचा लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप प्लीज इनका सर नीचे रख दीजिए, पीछे भी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.